बस्ती में पैतृक जमीन बचाने के लिए बुलडोजर के आगे लेटने वाले एडीजे मनोज शुक्ला को हाईकोर्ट ने किया निलंबित। बस्ती के छपिया के मूल निवासी मनोज शुक्ला सुल्तानपुर में थे एडीजे। बस्ती डीएम सौम्या अग्रवाल ने हाईकोर्ट को भेजी थी रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयास से इंदिरा उड़ान एकेडमी में बना एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए निकाला टेंडर। 1230.73 लाख की लागत से तैयार होगा एयरपोर्ट। 14 अप्रैल को अंबेडकर जन्म दिवस पर पूरे देश में अवकाश घोषित किया गया। शासन ने अवकाश का गजट किया जारी। गोरखपुर मंदिर परिसर में पीएसी जवानों पर हमले के मामले में एटीएस ने छापेमारी कर नोएडा से 3, गोरखपुर से 2 और कानपुर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। असिस्टेंट का कमिश्नर सिलेक्ट आशुतोष मिश्रा को आईबी टीम ने अरेस्ट कर मुंबई कोर्ट में पेश किया। असिस्टेंट कमिश्नर आशुतोष मिश्रा और उनके साले पर दर्ज है केस। उनका साला मुंबई पुलिस में डीसीपी था। मनी एक्सटर्शन केस में चल रहा है फरार। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारी पार्टी राष्ट्र सेवा के लिए है। भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य भारत के लिए समर्पण भाव पैदा कर राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी मौजूद। बीजेपी स्थापना दिवस को लेकर किया गया मंथन। स्थापना दिवस का कार्यक्रम तैयार। यूपी महाराजगंज बीएससी ओम प्रकाश यादव अनियमितता एवं लापरवाही के चलते किया गया सस्पेंशन। जम्मू और कश्मीर के शोपिया जिले के चोटी गांव में 1990 के बाद सिर्फ 3 हिंदू परिवार ही टिके हैं। इसमें से एक दवा विक्रेता सोनू का परिवार है। सोमवार को आतंकियों ने सोनू पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। वह बुरी तरह से घायल हो गए पर सोनू का हौसला फिर भी नहीं टूटा। हार गए दर्द देखकर आतंकी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध पर संसद में चर्चा के दौरान बूचा में हुए नरसंहार की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा, हम बूचा हत्याओं की स्वतंत्र जांच का समर्थन करते हैं। उन्होंने शत्रुता समाप्त कर रूस यूक्रेन के बीच बातचीत कर मसले को हल करने की बात कही। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ कालीघाट मंदिर में राज्य की सुख शांति के लिए की पूजा। राज्य की सांस्कृतिक गौरव एवं विकास के लिए मां काली से की प्रार्थना। पीलीभीत में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम बिना रजिस्ट्रेशन संचालित होने की सूचना पर अधिकारियों ने जांच कर किया सील। अवैध रूप से संचालित इस नर्सिंग होम में मरीजों से इलाज के नाम पर हो रही थी ठगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने सदन में यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा में भाग लेते हुए पीएम मोदी की तारीफ करते हुए रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता का किया आह्वान। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है कोई उम्मीद। यूपी के रामपुर में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच लाल डैम पर मुठभेड़। बदमाश के बाएं पैर में लगी गोली। घायल बदमाश का पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है इलाज। यूपी के उन्नाव जिले में दही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उन्नाव लखनऊ बाईपास पर गुमटी में दुकान लगाकर परिवार का गुजारा करने वाले गरीब दुकानदारों की गुमटी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 7 गुमटियां जलकर खाक। गुमटियों में आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरान खान के करीबियों और पत्रकारों के बीच झगड़ा। इमरान खान ने फिर अलापा अमेरिकी साजिश का राग। अमेरिका के कहने पर विपक्ष ने रची सरकार के खिलाफ साजिश। पुतिन की बेटी कतरीना और मारिया पर यूरोपियन यूनियन लगा सकता है प्रतिबंध। हालांकि पुतिन और उनकी पत्नी 2013 में ले चुके हैं तलाक। उनकी दोनों बेटियां अपनी मां के साथ रहती हैं। लंका के राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने से किया इनकार। डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस, इलेक्ट्रिसिटी आपूर्ति न होने से परेशान श्रीलंका की जनता। भारत में भेजा 40,000 टन डीजल।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सुरक्षा परिषद पर भड़के। 42वें दिन भी युद्ध जारी। दुनिया के देशों से सहायता मांग रहे जेलेंस्की ने कहा, यदि रूस पर नहीं कर सकते कार्रवाई तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बंद कर देना चाहिए। ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन को दिए गए NLAW टैंकों के इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रूसी टैंकों को आगे बढ़ने से रोका। रूसी सैनिकों को अपने टैंकों पर स्टील के गार्ड बेल्ट करते देखा गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।